नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर अंबाला कैंट में नगर परिषद एक्शन मोड में दिखाई दी। अंबाला कैंट के बंधु नगर में लोगों ने नगर परिषद की जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको हटवाने के लिए नगर परिषद की टीम सेक्रेटरी राजेश कुमार की अगुवाई में वहां पहुंची। इस मौके पर वहां लोगों ने काफी हंगामा भी किया। लोगों के विरोध को देखते हुए नगर परिषद की टीम ने पुलिस को बुलाया और वहां पर लोगों की ओर से किए गए कब्जे को हटवाया। पुलिस और नगर परिषद की टीम ने लोगों को समझाया, तब जाकर लोग शांत हुए और लोगों ने इस जगह को खाली करने के लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा और खुद इस जगह को खाली करने की बात कही। सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि जो नई सड़क बनी है वो बंधु नगर तक जा रही है, इसके आसपास लोगों की ओर से अतिक्रमण किया गया था। लोगों ने यहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिए थे, अब उन सबको हटाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों ने इसका विरोध किया तो फिर पुलिस को बुलाकर अतिक्रमण को हटवा दिया गया और बाकी जो बचा है इन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा है। अगर ये फिर भी खाली नहीं करते हैं तो फिर एक हफ्ते बाद बाकी बचे अतिक्रमण को भी हटवा दिया जाएगा। नगर परिषद की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद यहां बंधु नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और उन्होंने हमें सूचना दी और उनकी सूचना पर हम यहां पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं विरोध कर रही थी जिनको समझाया गया और अब उन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज ये अपना शास्त्री कॉलोनी में जो ये नई सड़क बनी है इसके आगे जो बंधु नगर तक आ रही है, यहाँ पर ये लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे, जिस पे एक स्पीड ब्रेकर भी बना दिया गया था। उस स्पीड ब्रेकर को हटाया गया, जो इन्होंने बाहर बाथरूम वगैरह बना दिए थे वो वैध अतिक्रमण हटाया गया। आगे जिन्होंने हॉट सेट डाल के बाहर सड़क तक थे उनके स्टेप्स वगैरह उनके सेट उतरवाए गए और एक ही यहाँ पर जो साइड में जो इन्होंने मंदिर वगैरह ये जो बनाए हुए साइड में तो उसका जो एक है वो काफ़ी बाहर तक अतिक्रमण किया जा रहा था, तो उसको मौके पर यहाँ आज उसको भी वहाँ से हटवाया गया है। तो किया जा रहा काफ़ी उसमें जो भी है नहीं उसमें जो कर रही थी तो फिर पुलिस को सूचित किया गया, तो पुलिस जो वगैरह मुलाजिम यहाँ पर आए तो उनकी देख रेख में जो है अपनी कार्रवाई की गई है। इसमें इन द्वारा जो बाकी थोड़ा बचा हुआ रह गया तो उसको जो है अपना ये इन्होंने कहा कि हम बाकी ये इस हफ्ते में हटवा लेंगे। तो बाकी इनको पहले ऑलरेडी जो देखो जो सड़क पे कोई जब नया बनाया कोई अतिक्रमण करेगा तो अतिक्रमण यहाँ पर शहर में नहीं होने दिया जाएगा। लोगों को बार बार चेतावनी दी जाती है कि अवैध अतिक्रमण मत करें, लेकिन अगर लोग फिर भी बार बार करते हैं तो फिर उसको अवैध अतिक्रमण जो वादा सड़क में उत्पन्न करेगा तो वो तो हटाया जाएगा। हमें सूचना मिली थी नगर निगम बंधु नगर में अवैध निर्माण का कब्जा ले रहे हो, सूचना पर हम पहुंचे थे तो यहाँ प्रशासन से उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया कि हम अपने आप इसको तोड़ देंगे, इसलिए प्रशासन ने उनको एक हफ्ते का टाइम दिया नगर निगम वालों ने। उसके बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी उसके बाद महिला तो विरोध जता रही थी कि ये सारा ही तोड़ेंगे, लेकिन वो सारा तो तोड़ना नहीं था, उसको काफ़ी समझाया बुझाया फिर उसके दिमाग में आई है तो उसने भी कहा कि चलो एक हफ्ते का टाइम दो हमें, एक हफ्ते तक हम अपने आप ही तोड़ेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।